नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा उपचुनाव प्रचार में जुटे सीएम धामी। मंगलौर में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ की जनसभा। 7 से 8 जुलाई तक बद्रीनाथ में भरेंगे हुंकार। मदरसों में अब एनसीईआरटी सिलेबस। शिक्षा परिषद अध्यक्ष बोले, बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम ताकि किसी भी षड्यंत्र का ना हो शिकार। नदियों से मलबा न हटाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। जनहित याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश। हरेला पर्व को लेकर तैयारियों में जुटे प्रदेश के सभी विभाग। अनगिनत पौधे लगाए जाने का लक्ष्य। वृक्ष संरक्षण के लिए कराई जाएगी जियो टैगिंग। और बारिश का कहर। चंपावत टनकपुर हाईवे बंद। स्वाला के पास आया मलबा, ट्रैफिक डायवर्ट। उत्तरकाशी में नाले में बहे 2 लोग, एक को बचाया। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर। आज मंगलौर के लिबरखेड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, राष्ट्रीय लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है और आज वो अपनों के बीच आए हैं और भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए वोट का समर्थन करते हैं। मैं आपसे कहने आया हूं, पूरा दिल खोल के, पूरा दिल खोल के करना। करतार जी आपके प्रत्याशी हैं और करतार जी को दी गई एक एक वोट मतदान करतार जी के पक्ष में तो होगा। आज तक एनडीए की जीत इस सीट में हो नहीं पाई। एक नया कीर्तिमान बनाना है वो करतार जी चुनौती सुनते हैं। आप सबके बीच में ऐसी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने आप सबकी सेवा का संकल्प लिया है। जो आज तक अभी आदरणीय त्रिवेंद्र जी बोल रहे थे, हमारे जयंत चौधरी जी बोल रहे थे, यहाँ पर केवल 2 ही लोगों का शासन चलता रहा है। जो सेवा से दूर, विकास से दूर, सुशासन से दूर और जनता से हमेशा दूर रहा है। चुनाव के दिनों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ऐसे प्रत्याशी जो आप सबका वोट लेकर आप सबके बीच में दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। करतार भड़ारा जी ने संकल्प लिया है कि जीतने के बाद सुशासन और विकास को आपके सबके बीच में लाना है। मंगलौर उपचुनाव के चलते आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रुड़की के एक निजी होटल पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को लेकर कहा कि वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं और इस बार वो मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर मिथक बनाने वाले हैं। मंगलौर का दुर्भाग्य है, यहाँ तक जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए मंगलौर विकास के मामले में पिछड़ता हुआ था। जिस उत्तराखंड में पिछले 7-8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐतिहासिक विकास हुआ है, चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, चाहे वो पहाड़ का क्षेत्र, लेकिन मंगलौर विधानसभा क्षेत्र उससे अब यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। उस विकास के लिए यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करतार भड़ाना। भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र भंडारी जिंदाबाद के नारे लगाए।
सांसद अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी में तिकोनिया के पास धंसी हुई सड़क का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। दरअसल अजय भट्ट ने यह बताया कि तिकोनिया में अब पाइप लगाकर सड़क को ठीक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर में कई जगह नदी और नालों का भी निरीक्षण किया। बहुत ही रहस्य की बात है कि तिकोनिया जैसी जगह में पूरी नहर धस गई, जबकि नहर बंद है तब भी उसमें पूरी तरह से पानी इस समय बह रहा है। नहर बंद होने पर भी ये जमरानी बांध का सारा पानी जो पहले से हमारी नहरें बनाई थी, बाद में कहीं कहीं पर उनका उपयोग हुआ, वो सारा ले जाती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी नहर है जो यहाँ से लालकुआं तक जाती है, इसके धंसने से पूरा हमारी सड़क ही एक किस्म से बाधित हो गई है। सारे अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग हैं, मेरी जिला अधिकारी जी से भी बात हुई है, सब लोगों से, और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी टीम है। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे गुमदेश क्षेत्र के धोनी सिलिग गाँव की महिला 20 जून की रात को अचानक लापता हो गई थी। तब से परिजन और ग्रामीण लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। हालांकि इस मामले पर पंचेश्वर कोतवाली में भी गुमशुदगी की सूचना दी गई थी। इसके बाद पुलिस भी महिला की तलाश में जुट गई थी। जानकारी के लिए बता दें, ग्रामीणों द्वारा की जा रही तलाश के दौरान 4 जुलाई को महिला का शव दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विकासनगर के मुख्य बाजार में बीते बुधवार को हुए विवाद में युवक ने दूसरे युवक को पहले मारा पीटा, इसके बाद उसकी आंख फोड़ दी। इससे घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, यहां युवक का इलाज किया गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। खाटवा का एक लड़का था निटू राणा, उसकी जो है कल शाम को यहाँ जो हॉस्पिटल रोड है वहाँ पर एक पत्थर से आँख फोड़ दी गई, और उसके बाद जो है हमारे समस्त जो विकास नगर के लोग हैं, चक्राता के लोग हैं, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कोतवाली का घेराव किया था। और हमने कोतवाल साहब को कहा था कि अगर आपने 11 बजे तक इस मामले में कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं की तो हमें चक्राता से लोगों को आना पड़ेगा, विकास नगर के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, हम एक बड़ा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे जिसकी समझ जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की। इसमें जो भी बाहर के लोग जैसा कि बताया गया है तो उसमें सत्यापन के संबंध में जो भी कार्रवाई की जानी है उसमें पालिका और पुलिस दोनों के साथ समन्वय बैठक करके आगे की कार्रवाई की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति बिना सत्यापन के यहाँ ना रहे, और अगर किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ न रखा जाए, इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा नगर के NTD स्थित गंगनाथ मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जानकारी में सामने आया है कि धारचूला पिथौरागढ़ निवासी युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की एक स्कूटी और मंदिर से उड़ाई सामग्री के साथ नकदी भी बरामद कर ली है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई। प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही मानसून सीजन में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका सबसे ज्यादा रहती है, जिसे देखते हुए वन विभाग अलर्ट हो गया है। जंगलों में शिकारियों की घुसपैठ को रोकने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून सीजन के समय में जंगल थोड़े खतरनाक हो जाते हैं, और जो हमारा मोहन का कुमेरिया जमेरिया क्षेत्र है ये वैसे भी टाइगर कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ कार्बेट हाथी और टाइगर की अति सक्रियता रहती है।
इनकी सुरक्षा और वन्य जंगल की सुरक्षा को देखते हुए हम लंबी दूरी और छोटी दूरी का समय समय पर करते रहते हैं। इसी के क्रम में विभागीय पदाधिकारी द्वारा जो भी निर्देश दिए गए थे उसके क्रम में आज हमारे द्वारा एक छोटी दूरी गश्त कुमेरिया से मोहान और मोहान से कुमेरिया मोहान अनुभाग द्वारा की गई है। हरेला पर्व को लेकर उत्तराखंड में सभी विभाग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। संस्कृत साहित्य कला परिषद भी इस बार हरेला धूमधाम से मनाएगा और इस अवसर पर पौधे लगाएगा। संस्कृत साहित्य कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि इस बार हरेला के अवसर पर विभाग अनगिनत पौधे लगाने का लक्ष्य रख रहा है। इसके लिए विभाग की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, लक्ष्य तो हमारा अनगिनत है। पूरे उत्तराखंड देवभूमि में हम संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है उसके तहत हरेला को एक हरियाली महोत्सव के रूप में हम पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में नहीं संपूर्ण भारत में इसको मनाने जा रहे हैं। बहुत सारे विभिन्न संगठन और संस्थाएं मेरे साथ इस समय जुड़ गई हैं। भारत के जो जो हमारे पर्यावरणविद हैं उनकी जो गंभीर जो चिंतनीय जो विषय था पर्यावरण को लेकर उनके साथ बैठक भी की गई, वर्चुअल बैठक की गई। और वर्चुअल बैठक में हमने ये तय किया कि हम पूरे उत्तराखंड में हम पौधे लगाएंगे लगाएंगे 7 दिन। उस दिन हरेला जिस दिन महापर्व है उस दिन पूरे भारत में स्थान स्थानों पर इसका इस त्योहार को भी मनाया जाएगा और साथ में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। वन अनुसंधान केंद्र लालकुआ के रेंजर मदन बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चल रहा मॉनसून सीजन पौधे लगाने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस समय पौधों को भरपूर पानी मिलता है और हमारी धरती हरी भरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के लिए कम से कम 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदना हो चाहिए। ऐसा करने से पौधे को काफी फायदा मिलता है, साथ ही जरूरत पड़ने पर कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे इस बार भीषण गर्मी पड़ी है उससे लोगों को भी एहसास हुआ है कि धरती को हरा भरा रखना हम लोगों के लिए कितना जरूरी है, इसलिए उन्होंने सभी से ज्यादा पौधे लगाने की अपील भी की। ये इस साल मानसून हम पर काफी मेहरबान है, अच्छी वर्षा हो चुकी है, धरती काफी गीली हो चुकी है, तो इस समय पौधा लगाना सबसे बढ़िया समय है। मेरी लोगों से ये गुजारिश होगी कि पौधा जो भी लगाएं, चाहे कम लगाएं ज़्यादा लगाएं, लेकिन उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस समय खासतौर से जो गड्ढा खोदने का जो क्रम रहेगा, कोई भी पौधा अगर लगाएं कम से कम 1.5 फीट का गड्ढा उसमें होना चाहिए। और गड्ढे में थोड़ा सा दीमक का अगर कहीं प्रकोप हो रहा है तो दीमक नाशक दवा भी प्रयोग होना चाहिए। चंपावत जिले में गुरुवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के लाइफलाइन माने जाने वाला टनकपुर चंपावत NH स्वाला के पास भारी मलबा आने से बंद हो गया। इस कारण कई वाहन और यात्री रास्ते में फंस गए। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों को सुरक्षित जगहों पर रोक दिया है। और इसी के साथ लोहाघाट से ट्रैफिक को डायवर्ट करते हुए वाया देवी धुरा हल्द्वानी भेजा जा रहा है। NH बंद होने से लोहाघाट से रोडवेज की अधिकतम बसों का संचालन नहीं हो पाया और सड़क खुलने के इंतजार में कई यात्री बस अड्डे में फंसे हुए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों में DM ने छुट्टी कर दी है। सोनलाल से लेके चंपावत के बीच में बहुत से पत्थर आ रहे हैं और रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, जिसमें हमें कंट्रोल रूम से आदेश मिला है कि गाड़ियों को जो है जिनको ज़रूरी काम है तो वो बायां हल्द्वानी से देवीधुरा होते हुए हल्द्वानी से जाएं। यदि उनको किसी को काम ज़रूरी नहीं है तो वो ये यात्रा ना करें, उनसे ये हम यात्रियों को ये बता रहे हैं। और डाइवर्ट यहाँ से कर दिया जा रहा है। उसके बाद ने निर्देश दिया कि आप लोग यहाँ पर डाइवर्ट कर दो और इनको यात्रियों को समझाओ बताओ कि भाई यात्रा नहीं करनी है ऐसे टाइम में, यदि जिनको ज़रूरी जाना है तो वो बायां देवीधुरा पर जाएँ। सरकारी बसें भी बंद हैं, ये डिपो में ही खड़ी हैं, जो उनके स्टेशन है जैसे चंपावत में है तो वो वहाँ खड़ी हो गई है। उत्तरकाशी में चीड़वासा नाले के उद्गम स्थल पर हिमखंड टूटने और बारिश की वजह से नाले पर बनी अस्थायी पुलिया बह गई थी। इस पुलिया के बहने के बाद नाले को पार करते हुए 2 लोग बह गए, एक बच गया। गंगोत्री नेशनल पार्क के रेंज अधिकारी ने यह जानकारी दी।
हल्द्वानी में हुई कई घंटों की बारिश में सड़कें बेहाल हो गई। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी में काफी बारिश हुई है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से सड़क धंस गई। हल्द्वानी तिकोनिया चौराहे के पास वर्कशॉप लाइन में करीब 50 मीटर सड़क धंस गई और गहरा गड्ढा हो गया। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और जिस जगह पर यह सड़क धंसी उसके नीचे सिंचाई विभाग की नहर है। फिलहाल सड़क निर्माण का काम शुरू करा दिया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास भी सड़क धंस गई, जिसको रिस्टोर करने का काम शुरू किया गया। अलावा जो सरकारी संपत्तियों के भी जो सड़कों में मलबा आने की वजह से जो टूट फूट इत्यादि के डैमेज हुए हैं, उनको विभाग अपना असेसमेंट करेंगे और तात्कालिक रूप से रिपेयर करने की कार्रवाई भी करेंगे। एक दो जगह पर सड़क धंसने की समस्या भी उत्पन्न हुई है, उसमें भी संबंधित विभागों को हम लोगों ने कल ही एक्टिवेट करके वहाँ काम शुरू करवा दिए थे। उसमें काफी तेजी से काम जारी है और उसको इस हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग रिस्टोर कर देंगे। एक रेलवे स्टेशन के पास भी इशू सामने आया था, वहाँ जल संस्थान का सीवर लाइन का जो चेंबर है उसकी वॉल क्षतिग्रस्त होने की वजह से ऊपर की सड़क गिरी हुई है, तो उसमें जल संस्थान ने भी अपना काम आरंभ कर दिया है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में मॉनसून सत्र को लेकर उपाध्यक्ष राज्य सलाहकार समिति विनय रूहेला ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ ही विभिन्न विभागों की आपदा की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। उन्होंने मॉनसून सत्र के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर तैयारियों को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के जरिए आपदा के दौरान अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। आज यहाँ पे जिला आपदा प्राधिकरण अल्मोड़ा की बैठक हुई है, जिसमें अंदर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी जो जनहित से जुड़े हुए आपदा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी SSP और सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। और विषय था कि हम आपदा के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं, जो आपदा आने वाली है उनको समस्या समय अंतर्गत किस प्रकार से निदान करें। इस बैठक के प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक का संबोधन किया और उस बैठक के में संबोधन में उन्होंने सबका मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार से समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, संबंधित अधिकारी इस दिशा में अच्छा प्रयास रखें, यदि नहीं रखेंगे तो शिकायत मिलती है तो सभी बताएंगे। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थायी उपजिलाधिकारी नहीं होने के कारण कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र मुंशियारी में मॉनसून के समय यहां पर SDM की तैनाती नहीं है। मुंशियारी चीन और नेपाल दो देशों से लगा हुआ क्षेत्र है। कई महीनों से मुंशियारी में SDM नहीं है, जिससे क्षेत्र की जनता का जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर मॉनसून भवन जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति नहीं हुई तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखो, आपदा की दृष्टि से मुंशियारी धारचूला अति संवेदनशील सरकार द्वारा घोषित किया गया है और यहाँ पर जो है बहुत भारी वर्षा के कारण आपदा किसी भी गांव में किसी भी एरिया में कहीं पर भी आ सकता है। तो हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ पर कम से कम 2 महीने के लिए वर्षा काल तक सितंबर तक यहाँ पर जो है कम से कम उपजिलाधिकारी भेज दे, अन्यथा जो है परमानेंट यानी कि स्थायी नियुक्ति मुंशियारी में अभी तक उपजिलाधिकारी 7 महीने बीत चुके हैं। हम चाहते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं, जिलाधिकारी और कुमाऊं कमिश्नर से निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पर उपजिलाधिकारी दिया जाए, स्थायी नियुक्ति किया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनेडी के भवन की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। बरसात में भवन की छत लगातार टपक रही है, छत के सरिये तक साफ नजर आने लगे हैं। भवन की दीवारों में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। बरसात के मौसम में नौनिहाल भारी खतरे के बीच टपकती हुई छत के नीचे बैठने को मजबूर हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। विद्यालय के SMC अध्यक्ष त्रिलोचन पांडे ने बताया कि स्कूल के हालात खराब हैं। उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग से बरसात के समय में बच्चों की बैठने की व्यवस्था कहीं और करने और जल्द से जल्द विद्यालय भवन की मरम्मत करने की मांग की है। जैसे कि हमारे कनेडी प्राइमरी स्कूल की ये दुर्दशा हो चुकी है, यह बिल्डिंग 2004 में बनी थी, 2024 में मात्र 20 वर्ष में ही यह
गिरने के कगार पे पहुंच चुकी है और इसका कोई सुधारीकरण का अभी कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं, रोज बच्चे आते हैं, मौसम की स्थिति बहुत खराब है और बच्चे और टीचर जो भी हैं उनके लिए कभी भी खतरा हो सकता है। मेरी प्रशासन और शिक्षा विभाग से यही अनुरोध है कि बच्चों के लिए उचित व्यवस्था की जाए जिससे बच्चे सुरक्षित रहें और आने वाले समय में कोई ऐसी आपदा बच्चों के ऊपर न आए। भगवान किसी को इतना भी मजबूर ना करे कि किसी इंसान को ऑक्सीजन के सहारे सांस लेनी पड़े, ऐसा ही मामला रुड़की से सामने आया है। गुल मोहसिन नाम के एक व्यक्ति जिसके दिल में छेद है और किडनी भी खराब है, इसके कारण गुल मोहसिन को सांस लेने में दिक्कत है। मोहसिन को ऑक्सीजन के सिलेंडर के सहारे सांस लेनी पड़ती है और इस नाजुक हालत में पीड़ित को अपने इलाज और गृहस्थी के लिए रिक्शा भी चलाना पड़ रहा है। ऊपर से रिक्शे की किस्त का तकाजा पीड़ित से किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि 5 किस्त रिक्शे की भी उनको अदा करनी है। वहीं पीड़ित अपनी दास्तान सुनाते हुए रो पड़े। दिल्ली वाला, ये क्या समस्या आपको? मेरे लंग्स खराब बताए। अच्छा, 60%। अच्छा, तो इस उम्र में भी आप रिक्शा चला रहे हैं, कारण? किस्तें भी रुकी हुई, पाँच छः किस्तें रुक गई, वो देनी भारी पड़ रही। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में महान सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट का 234वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष कर्नल मुकेश यादव ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सर जॉर्ज को याद किया। इस मौके पर जौनपुर से आए लोक कलाकारों ने लोक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। दूसरी ओर सर जॉर्ज एवरेस्ट के जन्म दिवस को पर्यटन विभाग के अधिकारी भूल गए, जबकि पूर्व में पर्यटन विभाग की ओर से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। जन्मदिन बहुत अच्छे ढंग से मनाया गया और विशेष रूप से यहाँ पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं आप दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है, जिसमें हेलीकॉप्टर राइड है और भी चीज़ें, और म्यूजियम को आपने बहुत अच्छे ढंग से सजाया है और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे ढंग से दी है और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और भविष्य में पर्यटक यहाँ पर काफ़ी आएंगे। आपके प्रयास की हम सराहना करते हैं, उत्तराखंड सरकार को बधाई देते हैं। सर, ये देखिए ब्रिटिश काल में ये बहुत कठिन था, लेकिन जासर ने जो भी कार्य किया, मेहनत ढंग से अच्छे ढंग से जो पॉइंट बनाए और जिस ढंग से इसको डेवलप किया, उसी की वजह से आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। सर जॉर्ज एवरेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरी मैपिंग के लिए, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐतिहासिक है। हिमालयाज एक सबसे डिफिकल्ट एरिया था जिसका मैपिंग करना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये सब संभव हुआ और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे भी सर जो एक्सप्लोरर थे उनका था। राधानाथ सिकदर जी थे जो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियंस थे, सारी कैलकुलेशन उन्होंने की, उसके बाद जो भी ऑन ग्राउंड मैपिंग की वो की किशन सिंह रावत जी ने और पंडित नैन सिंह जी ने, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम बहुत। भगवानपुर सत्ता के गलियारों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले भाजपा नेता सुबोध राकेश ने आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट गरीब अपाहिजों के बीच कैंप लगाकर किया। इसमें आंखों की फ्री जांच से लेकर ई रिक्शा भी बांटे गए। सुबोध राकेश ने बताया कि वो अपने बाबूजी कलीमाम राकेश और भगवानपुर से विकास पुरुष स्वर्गीय मंत्री सुरेंद्र राकेश के नक्शे कदम पर चलकर गरीब आवाम की सेवा कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। भाजपा नेता के जन्मदिन पर मुस्लिम बच्चों ने भाजपा नेता को केक खिलाकर बर्थडे स्पेशल किया। यहाँ पर हमने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि विकलांग दिव्यांग लोगों के लिए उपकरण वितरण का रजिस्ट्रेशन का हमने कैंप लगवाया था। आज वो जितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए थे उनको वितरण किए जाएंगे उपकरण विकलांगों को, और आंखों की फ्री जांच, आंखों का फ्री ऑपरेशन, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर है। ब्लड डोनेट का यहाँ पर कैंप लगाया गया है। मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई देते हुए क्षेत्र के अपने सम्मानित लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आशीर्वाद और सहयोग देने आ रहे हैं,
बहुत बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट भी किया जा रहा है और उन्हीं उन सब लोगों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं जितने दिव्यांग विकलांग लोग यहाँ पर आए हैं। इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.